Fayyaz Ahmed from GR Sons. And how long you have been in this business? It is in 70 years. Near about 70 years. And sir, how Indian Carpet Expo is benefiting you and giving you the opportunities? इनका बेनिफिट तो ठीक ही है, लेकिन बायर का जो है, बायर का आना बड़ा मुश्किल है. बायर इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं अभी. परचेजिंग पावर उनके पास मुझे नहीं लगता है अभी इतना है. जो जैसे कि अभी यूक्रेन का है, रशिया का है, जो है उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है. और कोविड की वजह से भी थोड़ा डिस्टर्ब. अब ये तीन साल दो साल के बाद अभी स्टार्ट हो गया है इस साल, तो मुझे लगता है स्लोली हो जाएगा, अगले साल तक हो जाएगा ठीक मुझे लगता है. मेजर डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड? मेजर डिफ़िकल्टी तो बहुत है इसमें. बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ गए. लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे थे, लोगों को डर था. कोविड की वजह से फ्लाइटें बंद थी यहाँ पर, बाहर से कोई वीज़ा बंद थे, उस वजह से भी बहुत सारा, और टूरिस्ट का भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ा इस ट्रेड के ऊपर. हमारे खासियत इस कारपेट में एक चीज़ है कि एक तो ये हैंडमेड है, हैंड नॉटेड है, सिलिकन है, और वो ये खासियत है. और ये बनता हाथ से ही बनता है, और मशीन मेड तो नहीं है. ये मशीन मेड जो है वो इसके सामने तो मुझे नहीं लगता वो टिक पाएगा इतना. इसकी रेंज पर कॉस्ट तो इसका डिपेंड ऑन द कारपेट, डिपेंड ऑन द साइज. ये तो 1600-1700 से स्क्वायर फुट के हिसाब से आगे जाता है, 5000-6000 तक स्क्वायर फुट जाता है. और कोई कारपेट ऐसा आता है जो 10000-15000 भी स्क्वायर फुट जाता है. कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, खासकर मैन्युफैक्चरर को कोई सपोर्ट नहीं है. एक्सपोर्टर को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, उसमें वो ड्रॉबैक वगैरह जो है. अब जो ड्रॉबैक हुआ करता था 20%, फिर उसको डिक्रीज कर दिया 15%, फिर उसको और डिक्रीज किया 9%. अब मुझे लगता है और भी डिक्रीज करेंगे, इसका कोई ऐसा खास बेनिफिट नहीं है. फ्यूचर तो अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा इसका. नहीं, अभी इसका फ्यूचर ठीक नहीं लग रहा. अभी आप देख ही रहे हैं, आप यहाँ पर आए, इंटरव्यू हम आपको दे रहे हैं, कस्टमर कोई आ नहीं रहे अभी. आजकल कस्टमर में कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है. वैसे जो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए इसका गवर्नमेंट के लेवल पर, वो नहीं हो रहा है. जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है.